भाजपा बिना टिकट यात्रा निवारण संशोधन विधेयक 2021। मैं इसमें माननीय सभापति महोदय निवेदन करना चाहूँगा, माननीय मंत्री महोदय भी विराज रहे हैं, वास्तव में रोडवेज और सरकारी जितनी भी गाड़ियां हैं, जितना टिकट में जो लॉस नहीं होता, इससे ज़्यादा जो प्राइवेट बस कोई चलाता है तो 10 से 15 साल तक उसकी बस सर्विस देती है और चलती है। चाहे प्राइवेट मेरे पास में गाड़ी है, स्कॉर्पियो या कोई है, वो भी 2 लाख 2.5 लाख किलोमीटर तक चलती है, प्राइवेट बसें भी चलती है। सबसे ज़्यादा जो नुकसान हो रहा है रोडवेज में और सरकारी जितनी भी गाड़ियाँ हैं, वो 1 साल 2 साल में कंडम हो जाती है। उनके टायर से लगाकर, इंजन से लगाकर, प्राइवेट बस अगर 2 लाख किलोमीटर चल सकती है तो ये रोडवेज 50,000 किलोमीटर या 40,000 किलोमीटर चलने के बाद में कंडम हो जाती है, इसका क्या कारण है? ये एक लीकेज इतना बड़ा है, इसको अगर ध्यान से रिपेयरिंग से लगाकर इसका रखरखाव और इस सिस्टम को अगर ठीक किया जाए, आप देखेंगे कि सरकारी कोई ऑफिस में भी गाड़ी है, आपके पास में गाड़ी है 10 साल चलेगी, और प्राइवेट कोई भी ऑफिस में भी गाड़ी है, चाहे छोटी गाड़ी है, सरकारी जो गाड़ी है, वो गाड़ी 1.5 साल 2 साल में कंडम होकर खड़ी हो जाएगी, पत्रों पे खड़ी हो जाएगी। जितने भी रोडवेज के डिपो थे, उनकी सारी जितनी राजस्थान रोडवेज है, उनकी हालतें ये हो गई है। इस वजह से समय पे न तो चल पा रही है, न वो उनको अपन चला, इस सिस्टम को ठीक कैसे करें? अभी माननीय सदस्य जो फरमा रहे थे राम प्रताप जी के, शायद सरकार ये हो और सरकार ये हो, इस सिस्टम को डेवलप करने के लिए ये अब पेनल्टी जो 250 से लगाकर 2,000 का बिल लाया है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस सिस्टम को अपन ठीक कैसे कर सकते हैं कि प्राइवेट व्यक्ति के पास में बस 10 साल चल सकती है, तो रोडवेज की बस 2 साल में कंडम होके क्यों बैठती है? इसके अलावा प्राइवेट जो को बसें हैं इतनी चल रही है जगह जगह, जैसे जोधपुर से संचालन होने वाली, पूना से लगा, चेन्नई से लगाकर बॉम्बे, अहमदाबाद, बड़ौदा, सब जगह ये प्राइवेट बसें चलती है, रोडवाइज अपनी नहीं चल पा रही समय पे। पहले रोडवाइज की बुकिंग होती थी सब जगह, हर स्टेशन में टिकट लेके पैसेंजर बैठता था, तो करीब करीब राजस्थान में सारी बुकिंगें भी बड़ी, जैसे जयपुर है, जोधपुर के अलावा सब जगह बंद हो गई। और जहाँ नई बसें और चलाने की आवश्यकता है, जैसे मैं बाड़मेर में निवेदन करूंगा, मंत्री जी को आज भी निवेदन किया है, बाड़मेर से डायरेक्ट जो जयपुर बस आ रही थी वो भी कई दिनों से, कई महीनों से बंद हो गई है। तो हमारे जैसे सिवाना के अंदर जहाँ जालोर डिपो से चलती है, जोधपुर के लिए समदड़ी होकर एक भी बस नहीं है, तो जहाँ प्राइवेट बसों का उपयोग लोग करेंगे, अब किराया डिफरेंस, मतलब जहाँ 100 रुपये और 70 रुपये का फर्क होगा तो पैसेंजर भी उसमें बैठेगा। तो एक तो आपस में प्राइवेट बसों का लगाकर, रोडवेज का लगाकर किराया एक तरह का एक हो, और समय पे रोडवेज का 7 बजे ₹250 से ₹2,000 का जुर्माना किया। इसके लिए 6 माह के लिए जनमत जानने के हेतु परिचालित किया जावे। धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद। माननीय श्री ज्ञानचंद पारक, माननीय श्री छगन सिंह। सभापति महोदय, मुझे राजस्थान राज्य पथ परिवहन सेवा बिना टिकट यात्रा निवारण संशोधन विधेयक